में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी गोलियों की आवाज ने सबकी नींद में खलल डाल दी। मयूर विहार फेज 2 के ट्रैफिक बूथ के पास बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता पर फायरिंग की, लेकिन राहत की बात ये रही कि वो बाल बाल बच गए। चश्मदीद की माने तो सुरजीत पर फायरिंग से पहले एक सरदार जी ने उन्हें रोककर पहले धमकी दी और पुलिस में शिकायत को वापस लेने के लिए कहा। सुरजीत मामले को कल निपटाने की बात कहकर जैसे ही आगे बढ़ा स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 5 राउंड फायर किए। आज फिर वो सरदार जी फिर पहुँच गए घर पे आए, गली में घुसे, फिर उन्होंने बोला अब तू चल रहा है या मैं यहीं शोर शराबा करूँ। जैसा मैंने चलो कहते हैं बात करते करते यहाँ तक सरदार जी मेरे को अपने साथ यहाँ तक आ गए। मैंने कहा चलो कह रहे हैं अच्छा 65 रुपए का खर्चा होता है, बस सिंपल सी बात इतनी सी बोली 65 रुपए का खर्चा होता है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर जी मैं कल आ जाऊँगा, नहीं तो आप जैसा होगा वैसा कर लिया। कह रहा ना ना मैं चमत्कार अभी दिखवा देता हूँ। से बात करी फोन सरदार जी ने यूँ गए और उसके तुरंत ही कुछ सेकेंड बाद मतलब मिनट बाद पीछे से एकदम गोलियाँ चलना स्टार्ट हो गई। सुरजीत की माने तो पिछले कई सालों से करप्शन और बिल्डर्स के काले कारनामों का खुलासा करते आए हैं। इसके लिए उन्हें कई बार धमकियां भी मिल रही थी कि बिल्डर्स के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लो वरना जान से मार दिए जाओगे। आरटीआई लगाई थी, वो बिल्डिंग 7th फ्लोर तक बना रहा था बंदा, अवैध निर्माण करवा दिया 7 मंजिल तक। अब वो 7 मंजिल बनाने के बाद मैंने वो बिल्डिंग तोड़वा दी, वो 2 फ्लोर टूट गए। 2 फ्लोर टूटने के बाद बिल्डर ने ये सरदार जी को भेज दिया दम्मा सरदार। ये बंदा 2-3 दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, पिस्टल लगा के कहता है कि मेरे को कल रात तक बैठा के रखा उसने 1:30 बजे तक। मैंने सोचा चल मजाक कर रहा है, चल वैसे ही उस टाइप की बात कर रहा है कि पिस्टल से करेगा। कह रहा है ऐसा है आरटीआई और कंप्लेंट वापस ले ले। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसे लिखित में ना DCP को कंप्लेंट दी है, लिखित में DCP को कंप्लेंट दी है कल की तारीख में। देर रात हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि वारदात स्थल से चंद कदम की दूरी पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से ललित कांडपाल की रिपोर्ट।